चोरीकरण नहीं करना चाहिए। जितने चोरीकरण में आप खर्च करेंगे उससे कम खर्चे में एक न्यू रोड, एक सेफ रोड, एक इकोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस वाला रोड आप नया दे देंगे तो आपको पहाड़ी के ऊपर नया रोड बना लेना चाहिए। उसमें किसी भी तरह की नई डिमांड नहीं है, खर्चे नहीं है, लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम नहीं है। सारी पंचायतों ने बाकायदा लिख के दे दिया है, 8 पंचायतों की जमीन है, 8 पंचायतों के सरपंच का लिखित प्रस्ताव आ गया है। ये सारी कार्रवाई करने के बाद हम आपके पास हाजिर हुए हैं ये बताने के लिए कि हमारी सरकार को अब अपने को एक अच्छा रुख लेकर अपने देश के लिए जो सुरक्षित हो वो ही करना चाहिए। हमें ये जो पुराना रोड है इसका चोरीकरण नहीं करना चाहिए। यदि वो बिना सोचे ये जो पुरानी रोड है इसका चोरीकरण करेंगे तो एक तरफ हमारी सरकार के बहुत खर्चे बढ़ेंगे और दूसरी तरफ ये जो पूरी हाइट की हिल का जो पूरा सिस्टम है वो हिल जाएगा जब उसमें वो कटाई करेंगे, और जब उसकी कटाई करेंगे तो जो मिट्टी निकलेगी वो आप नदी के किनारे लगाएंगे, और नदी के किनारे जब भी विदाउट सेफ्टी वॉल आप इस तरह की मिट्टी डालते हैं तो जैसे ही नदी में पानी आता है वो नदी का पानी उस मिट्टी को लेके नीचे आगे आ जाता है जिससे नदी का ब्लू जोन ऊपर उठने लगता है। तो देखो ये इकोलॉजिकल डिजास्टर है, ये इन्वायरमेंटल डिजास्टर है, और ये हमारी डिफेंस की सेफ्टी की दृष्टि से भी पहाड़ के नीचे की पायदान पर रोड बनाना सुरक्षित नहीं है। हमारी डिफेंस के जितने भी रोड होते हैं वो टॉप के ऊपर होते हैं, टॉप के ऊपर चलते हैं क्योंकि दोनों तरफ हमारी डिफेंस को दिखता रहता है, हमारी हमारी सरकार को भी उस पर ज्यादा सफाई रहती है। इसलिए ये जो रीजन है इस रीजन में देवदार के पेड़ है, देवदार का जो पेड़ है वो इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव, बहुत इम्पोर्टेंट, उसकी बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है, इसलिए इन पेड़ों को बचाना हमारी जरूरत है। दूसरी तरफ हमें अपनी नदी को बचाना हमारी जरूरत है। तीसरी तरफ भागीरथी वैली का इको सेंसिटिव इम्पोर्टेंस को प्रोटेक्ट करना हमारी जरूरत है, और चौथी तरफ हम ऐसा काम करें जिसमें खर्चे कम हो। तो ये जो नदी के ऊपर से रोड, पहाड़ी के ऊपर से रोड लेके जाएंगे रिज पर, उसमें खर्चे कम होंगे, वो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक रोड है, वो पर्यावरण की दृष्टि से ठीक रोड है, वो सोशल दृष्टि से भी ठीक रोड है, क्योंकि सोशल जो हमारी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे पास जो पुराना रोड है वो सफिशिएंट।